जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के कमांडो कोर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है। रिसेंटली ITBP के 112 कमांडोज की एक ग्रुप अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट करके उस एलीट कमांडो का हिस्सा बना है। 112 कमांडोज में से 17 महिलाएं भी हैं। ITBP की तरफ से इन्हें ट्रेंड किया गया है ITBP बेसिक ट्रेनिंग सेंटर जो कि भानु में स्थित है। मेल कमांडोज के लिए ये कोर्स लगभग 10 हफ्ते की है। तो एक्चुअली ITBP के इस कमांडो कोर्स में उन्हें किस तरह से ट्रेंड किया जाता है और उनको दिए जाने वाली इस ट्रेनिंग का पर्पस क्या है। देखिए, इस दुनिया के सभी फोर्सेस को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, चाहे वो कमांडो ट्रेनिंग हो, चाहे वो बेसिक हो, एडवांस ट्रेनिंग हो, वो सभी पर्पस बेस्ड ट्रेनिंग होता है। अब पर्पस बेस्ड ट्रेनिंग ऐसा है कि जिस काम के लिए उस फोर्स को बनाया गया है, उस काम को अच्छी तरीके से करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे CRPF के कोबरा कमांडोज को जंगल में ऑपरेट करने के लिए ट्रेन किया गया है, इसलिए उन्हें जंगल वॉरफेयर, गोरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेन किया जाता है। वहीं पर NSG कमांडो को काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, VIP सिक्योरिटीज के लिए बनाया गया है, इसीलिए उन्हें अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है। ऐसे में ITBP का जो मेन काम है वो है इंडो चाइना बॉर्डर की सुरक्षा करना। अब इंडो चाइना बॉर्डर को अगर आप देखिए तो वो ज्यादातर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर होते हैं, इसीलिए इस कमांडो ट्रेनिंग में उन्हें फिजिकली और मेंटली ट्रेन किया जाता है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर ऑपरेट करने के लिए। शुरुआत करते हैं अगर फायरिंग ट्रेनिंग से, तो फायरिंग के बहुत सारे वेरिएशंस में उन्हें ट्रेन किया जाता है। जैसे सबसे पहला है हाई ऑल्टीट्यूड एक्यूरेट फायरिंग। देखिए, नॉर्मल इलाके पर फायरिंग करके एक्यूरेट पॉइंट को हिट करना एक अलग चीज है और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर यह काम करना अलग चीज है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर ऑक्सीजन बहुत लो होता है, ठंड बहुत ज्यादा होते हैं और ऑक्सीजन शरीर और दिमाग में कम पहुंचने की वजह से दिमाग भी काम करना बहुत स्लो डाउन कर देता है। उस वक्त पर भी अपने दिमाग को शांत रख के फायर करके पॉइंट को हिट करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो इस किस्म की ट्रेनिंग ITBP के कमांडो कोर्स में दिया जाता है। उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग की अगर बात करें तो एंड्यूरेंस ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है। एंड्यूरेंस ट्रेनिंग में बैटल गियर के भारी वजन के साथ 8 से 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। अब ये दौड़ जो है वो पहाड़ी इलाकों पर है। आप कभी भी अगर इंडो चाइना बॉर्डर के आसपास के इलाके पर गए होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहां पर पेड़ पौधे बहुत कम है, वहां पर बंजर पहाड़े हैं और जो पहाड़ के बीच से रास्ता बनाया गया है वो पहाड़ को काट के बनाया गया है, तो वहां पर रास्ता ऐसे स्ट्रेट नहीं है। वहां पर अगर आप 10 किलोमीटर दौड़ते हैं तो स्ट्रेट में वो लगभग 30 से 40 किलोमीटर दौड़ने के बराबर है। और साथ में बैटल गियर के भारी वजन के साथ ट्रेकिंग करना भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। उसके साथ साथ में स्विमिंग ट्रेनिंग। अब नॉर्मल स्विमिंग तो सबको आती है, लेकिन वहां पर जो स्विमिंग होता है वो डिफरेंट लेवल का होता है, क्योंकि वहां से नदियां जब पत्थर पर टकरा कर नीचे आती है तो उसका फ्लो बहुत ज्यादा होता है। वहां के किसी भी जगह पर स्विमिंग करने से पहले उसकी गहराई को नापना और स्विम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तीसरा ट्रेनिंग होता है रॉक क्लाइंबिंग, जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर ड्यूटी करने के लिए जरूरत होता है। तो इसी रॉक क्लाइंबिंग का एक एडवांस वेरिएशन यहां पर सिखाया जाता है। चौथी चीज है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। अब ये ट्रेनिंग इंडो चाइना बॉर्डर के फ्रंट लाइन फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट यानी कि अनआर्म्ड कॉम्बैट में, मार्शल आर्ट में इन्हें ट्रेन किया जा रहा है। ट्रेनिंग में उन्हें बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ने की एक कला सिखाई जा रही है। अब आपने देखा होगा कि गलवान वैली में चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हमारे ट्रूप्स का एक अनआर्म्ड कॉम्बैट फाइट हुआ था, तो इसलिए चाइना बॉर्डर के आसपास में जो भी फोर्सेस डिप्लॉयड है उनको अनआर्म्ड कॉम्बैट में ट्रेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन देखिए, सब दुनिया का कोई भी कमांडो कोर्स है, स्पेशली इंडियन कमांडो कोर्स, उसमें फिजिकल ट्रेनिंग से ज्यादा मेंटल ट्रेनिंग के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, क्योंकि कमांडो इज एन एटीट्यूड जो आपके शरीर से ज्यादा आपके दिमाग के ऊपर होना चाहिए। कमांडो ट्रेनिंग में आपके दिमाग को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि आप बद से बदतर सिचुएशन में भी अपने दिमाग को शांत रख करके लड़ाई लड़ सकते हो, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में एक उजला हुआ दिमाग हमेशा गलती करता है और ऑपरेशन और युद्ध के मैदान में एक गलती कई फौजियों की जान ले सकता है। इसलिए कमांडो कोर्स का एक अहम हिस्सा होता है मेंटल ट्रेनिंग। जब शरीर थक के चूर हो जाता है, जब एक उंगली भी हिलाने की कुवत नहीं होती है, उसे तुरंत आदेश दिया जाता है कि अपने राइफल और बैटल गियर उठा करके 10 किलोमीटर की दौड़ लगा करके आओ। अगर उस वक्त पर आप गिव अप कर देते हो तो आप कमांडो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उस वक्त पर अगर आप अपने दिमागी बैरियर को तोड़ करके बैटल गियर की उस बैग को कंधे पर उठा लेते हो और दौड़ लगाना शुरू करते हो तो समझ जाओ आपका कंट्रोल आपके दिमाग के ऊपर हो चुका है। मुझे पता है कि जब ट्रेनिंग में ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो दिमाग कहता है भाई एक उंगली भी नहीं हिल रहा है, इतना भारी बैग उठा करके फिर से 10 किलोमीटर की दौड़ लगाओ, उससे अच्छा गिव अप कर दो, हम तो यूनिट में चले ही जाएंगे। लेकिन उस वक्त भी अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो तो इसका मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन पर आपका दिमाग आपके काबू में हो जाएगा। इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से जहां तक सोच सकता है उससे 2 कदम आगे जाकर के आपको ट्रेंड किया गया है। दिस इज कॉल्ड कमांडो। और ITBP के इस कमांडो कोर्स को कंप्लीट करने वाले पर्सनल्स को VIP प्रोटेक्शन और NSG के लिए भी इंस्पायर किया जाएगा। इस ट्रेनिंग में कांस्टेबल शीला 29th बटालियन से वो बेस्ट फीमेल कमांडो का
का अवार्ड भी जीता है। और मेल कमांडो में कांस्टेबल विनोद कुमार जो कि 27th बटालियन के हैं, उन्हें भी मेल बेस्ट कमांडो का अवार्ड मिला है। उनको यह अवार्ड दिया गया है ईश्वर सिंह के द्वारा जो कि ITBP के IG यानी कि इंस्पेक्टर जनरल साहब है। ITBP के इन कमांडोज को एक नया नाम भी दिया गया है जो कि है हिमालयन टाइगर्स। ये नाम इंटरनेट पर अभी तक बहुत चर्चित तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब कमांडो और ज्यादा निकलेंगी तब आपको ये नाम जरूर सुनने को मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर सकते हो, चैनल में पहली बार आने पर इस चैनल को सब्सक्राइब करके इंडियन आर्मी से जुड़े हुए इसी तरह के वीडियोस आगे भी देख सकते हो।